मैंने कल भी बोला था उनको। अरे माँ बाबू जी, आप ऐसे बाहर बैग लेके कहाँ जा रहे हो? अरे रमेश बेटा, वो आपको बताया था ना, 22 तारीख को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन है, बस उसी में सभी शहर के लोग जा रहे हैं, तो हमने भी टिकट बुक करवा ली अपनी, तो वहीं पे जा रहे हैं। अरे बेटा, हम तो तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे थे, हमारी बस निकल जाएगी, हमें बस कुछ पैसे दे दो। पैसे क्या पेड़ पे लग रहे हैं, जो तोड़ के दे दे। आप दोनों का हर तीसरे दिन का ड्रामा है, घर में एक तनख्वाह आती है, उसमें घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है। माँ बाबू जी, आप लोगों को तो शर्म आती नहीं, अरे इतने महंगाई में घर का खर्चा चलना बहुत मुश्किल से हो रहा है, और आप लोगों का तीसरे दिन का काम हो गया, कभी वृंदावन जाते हैं, कभी उत्तरकाशी जाते हैं, कभी हरिद्वार जाते हैं। अरे बेटा, आस पड़ोस के सभी जा रहे हैं, तो हमने भी सोचा कि हम भी जाते हैं, तो हमने भी नाम लिखवा दिया। बेटा अब की बार जाते हैं और कोशिश करेंगे आगे से हम ध्यान रखेंगे। आपके तो घुटनों में दर्द रहता है, अब वो दर्द कहाँ गया? माँ बाबू जी, वहाँ कोई छोटे मोटे मंदिर का उद्घाटन नहीं है, श्री राम मंदिर का उद्घाटन है, और वहाँ 20-30 हजार लोग नहीं है, पूरा देश इकट्ठा हो रहा है। वहाँ आप लोग कहीं गुम हो गए या कुछ हो गए आपको, तो मैं कहाँ ढूंढता फिरूंगा आप लोगों को। बेटा, इतनी भीड़ में उस ईश्वर के स्थान पर अगर हमें, भगवान ना करे, कुछ हो गया तो हमें गम नहीं है इस बात का? अरे हमारी जिंदगी, हमारा जीवन उस ईश्वर की तो देन है, अगर उसी के श्री चरणों में हमारी जिंदगी खत्म होती है तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे बेटा। और बेटा, अगर हम भगवान को वक्त देंगे तभी तो भगवान हमारे को वक्त देगा। अब इतने वर्षों के बाद 22 तारीख का ये इतना भव्य प्रोग्राम हो रहा है, तो बेटा हमें मत रोको, हमें जाने दो। माँ बाबू जी, आप तो बच्चों की तरह जिद पे जिद किए जा रहे हो, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, कहाँ से लाऊं इतने पैसे? आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? अरे मैं भी बाहर रहती हूँ, ये भी ड्यूटी जाते हैं, हम दोनों शाम को आते हैं। और एक बात तो सोचिए, घर में नौकर है, पीछे से उसने कुछ चोरी कर ली या भाग गया तो क्या करोगे? कम से कम आप लोग रहते हो, घर की देखभाल तो होती है ना। हाँ बेटा, ठीक कहा तुमने, आज समझा तुम दोनों की बातों को। असल में हम आपके परिवार के या घर के मेंबर नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ मुफ्त के चौकीदार हैं आप लोगों के, और आप लोगों के नहीं, इस दुनिया में जितने भी बुजुर्ग हैं, हर घर के बुजुर्गों को सिर्फ और सिर्फ चौकीदार के नाते घर में रखते हैं। बेटा, क्या माँ बाप बच्चों को पाल पोस कर इसी दिन के लिए बड़ा करते हैं कि बच्चे बुढ़ापे में उनसे चौकीदारा करवाए? आप लोगों की छोटी सोच हो चुकी है। अरे बड़े बुजुर्गों का फर्ज होता है घर की देखभाल करना, घर में रहना, और आप उसे चौकीदारी का नाम दे रहे हो। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप अंदर चलो। अरे बेटा बाबू जी, वहाँ मारा ये कुछ पैसे हैं, मैंने अपनी तनख्वाह से बचा के जमा किए हैं, आप ये रख लीजिए, इसी बहाने मैं भी थोड़ा धर्म कमा लूंगा, ये लीजिए। तो कोड़ी नौकर, तेरी हिम्मत कैसी हुई, तू मेरे और बाबू जी के बीच में डाल ले जाना है? बेटा मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। चुप रह, अपने औकात में रह, औकात से बाहर मत जा, समझ गया? इस घर का नौकर है, जाके काम कर चुपचाप। ठीक कहा बेटा, आखिर हूँ तो मैं इस घर का एक नौकर ही। ये हमारा फैमिली मैटर है, तुम्हें इसमें दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, नौकर हो नौकर बन के रहो, जाओ अंदर काम करो। ठीक है बेटा। राजू बाबू जी, इसकी ज्यादा हिम्मत लेने की जरूरत नहीं है, ये नौकर है, इसको नौकर ही रहने दो, ये दो पैसे देकर मेरी इंसल्ट कर रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है, जाओ चुपचाप अंदर। अरे ओ, दो पैसे की नौकरी करके और नौकर और मालिक में आज तू यही रेपुटेशन दे रहा है, यही इज्जत करता है, तेरे से उम्र में कितना बड़ा है और तूने हाथ उठा दिया? ये नौकर घर का तो हर तुम बकवास नहीं सुन रहा हूं मैं, इसलिए तुम कि बेटा है, और तुमने इनकी हिमायत ले लेके अपने सर पे बैठा लिया, आज जो आप देख लिया ना, चौकीदार बना दिया हम करके, और ये इस बच्चे ने अपनी पूरी जिंदगी हमारे परिवार को दी है, और ये अरे सुन, नहीं जरूरत तुम्हारे पैसे की, अपने पैसे को
अपने बच्चों के लिए संभाल के रखना, उनको भी पढ़ा लिखा के अफसर बना देना, ताकि बुढ़ापे में तुम भी इस घर के चौकीदार बन जाओ और हम हमेशा हमेशा के लिए ये घर छोड़ के जा रहे हैं। नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। राजू तू हमारे साथ चलेगा, जहां हमारी इज्जत नहीं वहां तू भी नहीं। चलो बाबूजी मेरी बात सुन। माँ माँ बाबूजी देख लिया, माँ और बाप और औलाद और माँ बाप का प्यार कुछ नहीं, महज उकीदार। मैं तो उस हर माँ बाप से एक बात कहना चाहता हूँ कि वो बच्चों की परवरिश में पालते पोसते अच्छी एजुकेशन दिलाते अच्छी जॉब में क्या यही देते खाने के लिए? अगर आज बच्चों के पास दो पैसे नहीं है उनके किराए के लिए, अरे आज कितने सालों की तपस्या के बाद अयोध्या में मंदिर निर्माण हो रहा है, पूरा देश कितना खुश है और उस खुशी में आप कह रहे हो कि धक्के खाने जा रहे हैं। वहां हम धक्के खा लेंगे, तुम यहां खुश रहो अपने महल में, हमें जरूरत नहीं है। चलो नहीं रुकना, नहीं रुकना, प्लीज समझाओ नहीं रुकना। चाचा मैं तेरे लिए मर चुका हूँ और तू मेरे लिए। अरे तबीयत खराब हो जाएगी, चुपचाप बैग लिया नहीं लेना। माँ कहिए नरक। अरे जहाँ ये जाएंगे मैं वहीं जाऊंगी। माँ तुम तो सुनो।